राष्ट्रवाद से श्रेष्ठ धर्मवाद। सो आप जातिवाद से थोड़ा भिड़कर आप राष्ट्रवाद की सीमा तक पहुंचनी चाहिए। वन शुड फील प्राउड दैट इट इज माई कंट्री, इट इज माई लैंड। द प्राउड फीलिंग नॉट फॉर हिज कैस्ट, नॉट फॉर हिज नियर रिलीजियन, द प्राउड फीलिंग शुड बी देयर इन ए ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स हिज सॉइल विच हैज डिलीवर ब्यूटिफुल लाइफ फॉर हिम एंड लाइवलीहुड फॉर हिम। वन हैज टू फील प्राउड, वन हैज टू फील इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। सो दैट प्राउड फीलिंग मेक्स ए मैन एज अ पेट्रियाटिक पर्सन। कमिटमेंट फॉर माई लैंड, कमिटमेंट फॉर माई सॉइल। नाउ दिस इज द टाइम, especially in India, we should make Indians to think. People aspiring globe, though they are settled properly, they are attached to their motherland, of course. So every Bharatvasi, har ek Bharatvasi ko ये भाव पैदा करना ही चाहिए। ये भाव अपने अंदर इसको जगाना जरूरी है कि मैं भारत मां की पुत्र हूं, भारत मां की पुत्रिका हूं। इफ इस प्रकार की राष्ट्रवाद है अगर आदमी के अंदर पैदा करने में हम विफल हुआ तो समझ लीजिए भारत देश की टुकड़ा टुकड़ा। राजीव मल्होत्रा जी ने जिस महान ने लिखा है पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया, इट विल हैपन राइट इन फ्रंट ऑफ यूर आइज सर। अभी जो चरण रेड्डी जी ने एक बार बताया, स्वामी जी मेरे से बस 26 साल की या 25 साल की छोटा है, मैंने करीबन 70 साल की उम्र तो लगना पड़ेगा। साहब मैं ये कहना चाहता हूं अगर इस भाव को अगर हर भारतवासी के दिल में हम जगाने में हम विफल हुए कि हमारा भारत मां की जयकार करने में हम भारतवासी विफल हुए तो आप समझ लीजिए राजीव मल्होत्रा जी का पुस्तक आपके आंखों के सामने प्रत्यक्ष वो सिद्ध होने वाले। आर वी गोइंग टू डू दैट? डू वी लेट दैट थिंग टू हैपन? यहां मेरा एक ऐसा परिस्थिति बनाया गया हमारा प्रकाश राव जी कि आपको अंग्रेजी में बात करना है, बीच में हिंदी में भी बात करना है।